साल 2013 में एक जहाज अटलांटिक महासागर में तूफान के चलते डूब गया। जहाज में कुल 12 सदस्य मौजूद थे, जिनमें से एक थे हैरिसन ओकेने, जो अपने कमरे में उस समय सो रहे थे। जहाज समुद्र की गहराइयों में चला गया और हैरिसन के कमरे में तेजी से पानी भरने लग गया। बर्फ के जमा देने वाले पानी से बचने के लिए हैरिसन ने तुरंत कमरे में मौजूद सारा सामान एक के ऊपर एक जमाया और उस पर चढ़ गए। जैसे ही रात हुई तो हैरिसन को कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें उनके साथियों की थी, जिनकी डेड बॉडी को मछलियां खा रही थी। किसी तरह रात गुजरी और अगले दिन कुछ गोताखोरों का बचाव दल आया, मगर वो कुछ डेड बॉडीज को साथ लेकर वापस लौट गए। हैरिसन भूख और प्यास से तड़प रहे थे और ऑक्सीजन की भी अब कमी होने लगी थी। तीसरे दिन बचाव दल एक बार फिर आया और इस बार हैरिसन ने एक लंबी सांस ली और पानी में डुबकी लगा के बचाव दल के गोताखोर को हाथ से इशारा करा। और गोताखोर को पहले तो लगा कि ये कोई डेड बॉडी है, मगर फिर उन्हें हाथ में हरकत दिखी तो उन्हें समझ आया कि ये तो जिंदा है। जिसके बाद हैरिसन को वहां से निकाला गया। हादसे के बाद हैरिसन इतना डर गए थे कि उन्होंने कसम खा ली कि वो अब कभी भी पानी में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और किस्सा पसंद आए तो थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।